वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस और वेजिटेबल्स के साथ। ये बहुत डिफरेंट, बहुत मज़े की बनाऊंगी मैं। ये बहुत मज़े की लगती है मुझे, मैं अपने लिए अक्सर बेहतर बनाती रहती हूँ। बहुत आसान है। सर्दियों की जो वेजिटेबल्स आ रही हैं उनके साथ तो बहुत ही मज़े की लगेगी ये। चलें फिर शुरू करते हैं। कुछ पेपरोनीस वग़ैरह मैं लूँगी, आलू हैं, गाजर, प्याज और लहसुन, टमाटर, बथुआ, कॉर्न्स, बटर, चेडर चीज़ और स्लाइस चीज़। बॉयल करने के लिए राइस रख दिए थे हमने पहले ही। अब एक फ्राई पैन में हम बटर डालेंगे। मैं बटर के साथ बना रही हूँ। प्याज और गार्लिक चॉप किया हुआ है वो डाल दिया। हल्का सा स्टफ फ्राई करेंगे। और अब मैं आलू डाल रही हूँ ताकि ये गल जाए। आलू मैंने फिंगर्स में काटे हैं तो अच्छे लग रहे हैं। अब इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं, पेपरोनीज की कटिंग कर लूँगी। आप किसी तरह भी कटिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे से पीसेस में भी। आप चाहें चिकन ले लें इसकी जगह। जो चीज़ घर में अवेलेबल हो आप डाल दें। गाजर डाल देंगे क्योंकि गाजर होती है सख्त। मटर, हल्का हल्का फ्राई करते हुए इसी में ये चीज़ें गल जाएंगी। राइस बॉइल कर लिया हमने। हरी मिर्च, आप हरी मिर्च की जगह ब्लैक पेपर ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकैनी के पीस थे मेरे पास, वाइट पेपर और नमक। चिली सॉस डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से आप ले लें। विनीगर 1 टीस्पून के करीब, कॉर्न्स, और ये मेरे पास है बथुआ जिसे रायता भी बनता है, बॉईल करके मैंने रखा होता है। इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। बहुत डिफरेंट, बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आता है इस वेजिटेबल्स के साथ। पेपरोनी, टमाटर एंड थोड़े से मेरे पास है पार्सले। आपके पास अगर पार्सले नहीं है तो आप डाल सकते हैं हरा धनिया। चीज़ के स्लाइस ही रख देंगे साथ में ताकि ये मेल्ट भी हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें सब्ज़ी को गलाना नहीं है। बहुत ज़्यादा कुक की भी सब्ज़ी मज़े की नहीं लगती है और अपनी गज़ाइत भी ख़त्म कर देती है। और अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया खुशबू के लिए। पार्सल की बहुत खुशबू होती है। ये डाल दिया मैंने बथुआ। अब डालेंगे हम बॉयल राइस। मैंने सिंपल सा नमक डालकर बॉयल किए हैं। हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। अब डाल देंगे हम इसमें चेडर चीज़। दो मिनट के लिए कवर कर दिया। चीज़ मेल्ट हो चुकी है अच्छी सी। हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही जिसे कहते हैं ना मज़ेदार लगती है ये वेजिटेबल्स के साथ बॉयल राइस। तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये दावत में आप लंच या डिनर में अपने लिए बना सकते हैं और इन्जॉय करें। टेस्ट कर मैं बताती हूँ आपको कितने मज़े की हमारी ये बनी है और देखने में भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ज़रूर फीडबैक